ग्राम बखारी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले साई महोत्सव में इस बार साई भक्तों ने बाबा साई की पालकी को सजाकर उसे ग्राम भ्रमण कराया। भ्रमण के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। साई भक्तों ने इस कार्यक्रम में विगत एक वर्ष से कोरोना काल में चपेट में आए करीब 35 ग्रामीण जनों की स्मृति में एक एक पौधा लगाने का संकल्प लिया, जिसे उन्होंने हाथों से ही साईपुरम सिवनी के बगीचे में रोपित भी किया और बाबा से सभी दिवंगतों की आत्म शांति हेतु प्रार्थना की। इसके पश्चात ग्राम बखारी के बाजार चौक सभा मंच में इन्हीं दिवंगतों की फोटो पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भंडारा प्रसाद के रूप में कन्याओं को खीरपूरी का वितरण करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। साई सेवा समिति बखारी द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम साई सेवकों द्वारा लगातार ये 8वां वर्ष है हमारा बाबा साई की पालकी यात्रा ग्राम बखारी से साईपुरम सिवडी सिवनी जाती है। इस वर्ष है कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने साई पालकी को सद्भावना और श्रद्धांजलि के रूप में परिवर्तित किया है एवं कोरोना की समस्त गाइडलाइन का पालन करते हुए जन समूह को न ले जाकर कुछ साईं भक्तों के द्वारा हमें यह पालकी यात्रा को सिवडी साईपुरम सिवनी ट्रस्ट मंदिर तक ले जाया गया है एवं शाम के समय और हमारे द्वारा साईं भक्तों के द्वारा पिछले एक वर्षों में जो भी दिवंगत व्यक्ति हैं जिनकी भी एक वर्षों के दौरान मृत्यु हुई है उन सब के याद में पौधा साईं सेवा समिति के द्वारा रोपित साईं मंदिर प्रांगण में किया गया है। चौक में इन सभी दिवंगत व्यक्तियों के याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम दीप जलाकर रखा गया है एवं हम साईं सभी साईं सेवा समिति बखारी के सभी सदस्यों की तरफ से SW24 के माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी भी इस विकट महामारी कोविड-19 जो भी गाइडलाइन सरकार की है उसका पालन करें। जय साईं राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।